भाई उच्ची तो बहुत है यार, फॉर्चुनर ऑटोमेटिक है, 4x2 खड़ी है, 4x4 अगले महीने से आ जाएगी, मतलब शोरूम में भी आ जाएगी और वैसे भी मिलने लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो सारे? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गाड़ी देख रहा हूँ, गाड़ी सर्च कर रहा हूँ, गाड़ी जाके शोरूमों में देख रहा हूँ मैं कि कौन सी गाड़ी लूँ। XUV700 मैंने देख लिया, उसकी टेस्ट ड्राइव अभी तक नहीं ली मैंने, और आज जा रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, फॉर्चुनर। आज फॉर्चुनर देखने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक बार इन्वेस्ट करूँ। अब क्या अब 4-5 साल में बदलनी है गाड़ी, अब 2 साल में बदल रहा हूँ वैसे तो। अब देखते हैं, जो पसंद आएगी वो लेंगे, बाकी अभी गाड़ी देखने जा रहे हैं। और मेरे साथ जा रहा है मेरा कुणाल भाई, जो कि आपने एक दो ब्लॉगों में देखा भी होगा, उसे एक दो ब्लॉग बनाए हैं उसके साथ भी। तो आज हम उसके साथ जा रहे हैं, अभी घर से निकला हूँ, आज बजे 10:45 हो रहे हैं, और 2 दिन बाद ट्रिप पे भी निकला है। तो बहुत सारे काम है आज, गाड़ी भी वॉश करानी है, पैकिंग भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, गाड़ी भी देखनी है, बाकी एक दो गैजेट्स लेने की सोच रहा हूँ, वो भी देखने हैं, वो भी लेने जाने हैं, और बहुत सारे काम है। तो गाड़ी देखने हैं, फिर उसके बाद आगे के काम एक एक करके निपटाते हैं आज। तो गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, अंदर बाहर से दोनों से धूप के मतलब साफ वाफ हो गई, वॉशिंग हो गई, और अंदर बस खाली कपड़ा लगवाया तो साफ हो गया, बस सीटें गंदी है, सीटें पर ध्यान मत दो, सीट गंदी है, उस पर भी उसके लिए भी कर दिया जुगाड़। क्या वो होगी, ड्राई क्लीन होगी, बोल दिया ट्रैकिंग वाले को, कर देगा एक और दिन में अपना आके, तो ड्राई क्लीन भी करवा लेंगे। और गाड़ी वॉश हो गई, अब बस एक बार फ्यूल डलवा लेता हूँ, फ्यूल डलवा के फिर अपना कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे गाड़ी फॉर्चुनर। सोच यार, पता है गाड़ी बेचने का मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस गाड़ी ने मुझे काफ़ी जगह घुमा दिया, गोवा, कश्मीर, लद्दाख, स्पीति वैली, केदारनाथ, जैसलमेर, काफ़ी जगह घुमा दिया इस गाड़ी ने मुझे, कहीं आज तक मुझे धोखा नहीं दिया बीच में। गाड़ी तो अच्छी है, बस कंपनी, जिस किसी कंपनी गाड़ी है ना, वो उनकी सर्विस अच्छी नहीं है। बाकी अभी सोच रहा हूँ मैं 4x4 ले लूँ अच्छे से इन्वेस्ट करके, 5-6 साल अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और बाकी अभी DSLR लेने की सोच रहा हूँ, एक DSLR ले लूँ, तो वो सोच रहा हूँ कि DSLR लेके अच्छे से और शूट और क्लियरिटी में और मतलब और बढ़िया आपको शॉट दिखाऊँ। और इस बार ड्रोन पक्का लेके जा रहे हैं हम ट्रिप पे, 2 दिन बाद जा रहा हूँ मैं केदारनाथ। जिसको नहीं पता, मैंने वैसे यूट्यूब पर पोस्ट भी डाली थी और इंस्टा पर भी स्टोरी वगैरह पोस्ट वगैरह डाल दी थी, तो मैं देख रहा हूँ 2 दिन बाद निकल रहे हम केदारनाथ। तो बाकी चलते हैं, फिर डलवाते हैं फ्यूल, और थोड़ा एक बैंक का काम है, वो बैंक का काम निपटा के फिर अपना निकलते हैं गाड़ी देखने। और वैसे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि वो ले लो थार, ले लो थार, ले लो, मैसेज भी आए हैं कि थार ले लो भाई, थार ले लो। तो आप बताओ कमेंट करके, इस वाली वीडियो पर कमेंट करके बताओ, और 100 लाइक करवा दो, 100 अभी तो 100 भी नहीं पहुँच रहे, मतलब जो अच्छा व्लॉग होता है ना, बहुत तगड़ा वाला, जो ट्रिप का पहला व्लॉग होता है, उस पर 100, 150, 200 ऐसे लाइक पहुँच जाते हैं। इस वाले व्लॉग पे 100 लाइक कर दो, और बताओ कि थार लूँ या ना लूँ, फॉर्चुनर लूँ या ना लूँ, XUV700 लूँ, कौन सी लूँ। 3 गाड़ी है मेरे अभी उसमें, XUV700, थार और फॉर्चुनर। अब 3 गाड़ियों में से सजेस्ट करो कौन सी लूँ मैं, क्योंकि XUV700 मुझे पसंद है, फीचर वाइज भी हर तरीके से पसंद है, पर उसकी कंपनी पसंद नहीं है, इस कंपनी की वो गाड़ी है। बाकी देखते हैं जैसे भी होगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:47, इन भाई साहब को सुबह 11 बजे के लिए बोल रखा था, 2 बजे लिए, और फिर ये गया अभी कहीं से चाप मंगाई, चाप खाई और मुँह फूक गया मेरा। और अभी फाइनली हम जा रहे हैं गाड़ी देखने, जो आपने टाइटल में देख ही लिया कौन सी देखने जा रहे हैं, अभी शोरूम जाके आपको मिलेंगे, वहाँ दिखाएंगे गाड़ी। और देखना कितनी सेक्सी लग रही है ये वाली, अपनी है ही रानी। तो गाइज हम फाइनली पहुँच चुके हैं, अपना कैमरा खराब हो गया, मैंने ठीक नहीं करवाया, अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, उससे आके जब सर्विस वर्विस होगी जब ठीक करूँगा बस। और सामने शोरूम, अभी गाड़ी देखेंगे अंदर जा, पहले गाड़ी लगा रहे हैं शोरूम के सामने, जिससे कोई ऐरा गहरा ना समझे, मैं हम गाड़ी में ही आए वैसे, और अंदर जाएंगे अभी
एक आगे कर लो, बस 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 यहीं लगा दें। यह गाड़ी फॉर्चुनर लेजेंडर मक्की ऑटोमेटिक, मुझे चाहिए ना 4x4, तो 4x4 देख लीजिए, बाकी चेक करते हैं। इसमें भी स्पेस कम है भाई। लेजेंडर है, ऊंची काफी है। अब देखते हैं अगर इसकी टेस्ट ड्राइव मिल जाती है तो बाकी करते हैं बातचीत, पैसे के हिसाब से देखते हैं क्या पैसे का सिस्टम है, कितने की पड़ेगी। तीन गाड़ी है, तीन गाड़ी अब देखनी है, तीनों टेस्ट ड्राइव करते हैं। 500 उसमें स्पेस नहीं है। हाँ उसमें स्पेस है, 700 देखते हैं। इसमें नई रूम तो जैसे मेरी एक्सयूवी में सेम ऐसा ही है, पर पीछे वाला तो भाई सब खत्म ही है एक बंदे का, मेरे से मतलब मेरे से ज़्यादा हाइट वाला नहीं बैठ सकता। और लेजेंडर इन पे अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गई हुई है कहीं बाहर, तो कह रहे अभी तो नहीं मिलेगी। बाकी भाई उच्ची तो बहुत है यार फॉर्चुनर, मैं तो आज इस वाली में पहली बार बैठा हूँ, नई वाली फॉर्चुनर में। ऑटोमेटिक है, 4x2 खड़ी है, 4x4 अगले महीने से आ जाएगी, मतलब शोरूम में भी आ जाएगी और वैसे भी मिलने लगी। चार महीने की वेटिंग है इसमें, 4 महीने की वेटिंग है फॉर्चुनर में, लेजेंडर में, मतलब जो नई वाली फॉर्चुनर है इसमें 4 महीने की वेटिंग है। 4 महीने कह रहे 2-2.5 महीने में मिल जाएगी। तो आप कमेंट करके बताओ ये या XUV700। मैंने इन्हें बताया इनको थार भी देखना चाह रहा हूँ, तो कह रहे भाई साहब थार बिल्कुल मत ले लेना, चाहे XUV700 ले लो। तो आप बताओ, बाकी अच्छा खासा स्पेस है, अच्छे खासे गाड़ी अच्छी लगी इस वाली में, तो मैं पहली बार बैठा हूँ नई वाली में, तो सही है स्पेस तो। बाकी देखेंगे यार, करते हैं डिसाइड कुछ। सेक्सी लग रही है वैसे तो, 4x2 है, 4x4 मैंने कहा टेस्ट ड्राइव दिलवा दो यार, तो कह रहा भाई टेस्ट ड्राइव तो गाड़ी गई हुई है अभी टेस्ट ड्राइव के लिए, तो उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए बाहर, मतलब थोड़ी दूर गई ग्रेटर नोएडा साइड। तो चलो देखते हैं फिर, करते हैं इससे बातचीत। बस एक सनरूफ की कमी है, टोयोटा में है ही नहीं सनरूफ, अगर सनरूफ होता ना भाई सब, सीट कवर भी अच्छे है इसके, सनरूफ होता ना इसमें तो सेक्सी मजा आता भैया। ये है 4x2 लेजेंडर, यह है 4x4 लेजेंडर, ले लिया देख लिया हिसाब किताब, ज़्यादा मोटा बिठा दिया, 50 लाख ही मान लो सीधे सीधे। एक कोठी जितना वैसा, मतलब 112 मीटर का प्लॉट आ जाएगा इतने का, तो इतने का हिसाब किताब दिखा दिया उसने तो। बाकी चलो कहीं नहीं, करते देखते हैं XUV700 या फिर ये, एंड करके बताओ क्या रखनी है हमें। बाकी चलो चलते हैं अभी कुछ खाते हैं फिर और भी काम, एक बार कैनन के शोरूम चलते हैं, कैमरा वैमरा देख ले क्या लेना ही है यार कैमरा। तो पहले कुछ खाते हैं फिर चलेंगे शोरूम में कैनन के। और ये नोएडा की एक ऐसी रोड है, ऐसी मतलब ऐसी जगह है हरोला सेक्टर 5 कि यहाँ हमेशा यही वाला रश मिलेगा, और शाम को तो तुम आ भी जाओगे ना इसमें तो तुम्हें पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलेगा, गाड़ी की तो बात छोड़ दो तुम, ये अभी तो इतना ऐसे ही रश है, लेकिन सुबह ऑटो वाले का हाल इतना बुरा, जब ड्यूटी का टाइम होता है ना, ऑफिस का टाइम होता है, ऑफिस टाइम में रात में इतना बुरा हाल हो जाता है, पैदल नहीं चल सकते तुम एक कदम। मैं आ चुका हूँ ना स्कूटी से आता हूँ मैं, जब भी सुबह या शाम को आऊंगा जब भी स्कूटी से आऊंगा मैं, इधर मैं आऊंगा ही नहीं गाड़ी से कभी। तो गाइस अपना हो चुका है पोपट, जिस मार्केट में हम देखने गए थे उसी मार्केट, वो मार्केट आज बंद है, आज छुट्टी है बाकी यहीं से ले रहा है, तो वो मार्केट की छुट्टी है, वहीं पे अपने जानने वाले हैं, तो इसी वजह से वहाँ जा रहे थे, फ़ोन करके आए थे। अबे यहाँ से लेता ना, यहाँ से यू टर्न क्यों ले रहा तू, ये ड्राइवर ना ये हमारा बेकार है, ये ड्राइवर चले यहाँ से ले ले इस वाले से, ड्राइवर बता रहा है, ये ड्राइवर हमारा बहुत बेकार इंसान है। सुबह 11 बजे कह रखी थी मैंने, कल ही कह दी 11 बजे चलेंगे, इन्हें 2 बजाती है, 1 बजे 2 बजे आई हूँ। और अभी पोपट हो चुका है हमारा, अभी हम जा रहे हैं XUV के शोरूम, XUV700 के शोरूम, आज टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, कि जब आए तो मन की पास में ही है बराबर में, कैमरा देखने आए थे तो वैसे तो पास में ही है, तो मन की टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। मतलब मैं 45 के आसपास सोच रहा था, वो थोड़ा सा और बढ़ गया,
थोड़ा एसेसरीज लगवाएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे, तो उसमें और ऊपर बैठ जाएगा। तो पहले XUV 700 की टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। तो अभी आ चुके हम महिंद्रा के शोरूम टेस्ट ड्राइव लेने, क्योंकि उस दिन टेस्ट ड्राइव नहीं थी। तो आज फिर आ गए हम यहाँ टेस्ट, अब क्या टेस्ट ड्राइव भाई हमारी पक्की है। तो सेक्सी लग रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने चला ली है, मेरे पास थी मर्सिडीज भाई सही बताऊँ तो। आज हम चला रहे हैं महिंद्रा XUV 700, 500 से 700 का है। इसमें क्या मेन फीचर आए हैं वैसे तो नए? इसके अंदर सर 10.25 का म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा। और साथ में गाड़ी के अंदर 360 व्यू है, 12 स्पीकर है इस गाड़ी के अंदर, सोनी के। और ये आपका जो मेटल होता है ना, दूसरा आपका जो स्टील्स वगैरह लगी होती है उससे कहीं ज़्यादा है इसमें आपकी वो सेफ्टी है। और ये ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये आपका स्टील से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी गाड़ी के अंदर मैंने आपको बता दिया, 12 स्पीकर के साथ बताया, 7 एयरबैग है टोटल, वायरलेस चार्जर है गाड़ी का, ठीक है सर। और बाकी इसके अंदर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है, आप गाड़ी की रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हो। गाड़ी की रिकॉर्डिंग मतलब कैसे? जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? 360 चारों तरफ की। अच्छा, अंदर अंदर की बाहर की? बाहर की, बाहर की, बाहर कैमरा है ना। अच्छा, वो उससे बेनिफिट होता है कहीं इम्पैक्ट वगैरह तो कुछ उसके लिए। और अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, मेमोरी कार्ड तो फुल हो जाएगा ऐसे, वो आपको खुद करना पड़ेगा ना, तब जहाँ आप कहोगे तभी होगा वो मैनुअली होता है। और जहाँ पे आपका मान लीजिएगा कि आपको सडनली ब्रेक लगाने पड़े, पैनिक ब्रेक, गाड़ी को ऐसा लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेक लगाएं, तो वो ऑटोमेटिक ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 मिनट अंदर। तो ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है इसका, टॉप मॉडल है जो अभी हम चला के आए हैं, ये वाला सेक्सी लगी है। और अपनी ये खड़ी, यही खड़ी है दोनों बराबर में। गाड़ी की आज टेस्ट ड्राइव, फाइनली टेस्ट ड्राइव हो गई है, अच्छी लगी गाड़ी, स्मूथ से चल रही थी। बाकी फीचर्स तो भाई भर भर के, भर भर के, जो आज से 10 साल बाद गाड़ियों में आएंगे वो फीचर पहले ही दे दिए। और जो टॉप वेरिएंट है वो है 27 लाख का भाई इसका, डीजल वेरिएंट। अगर पेट्रोल हो गया तो 70-80 हज़ार रुपये कह रहा था कम हो जाएंगे, बस पेट्रोल और डीजल में ही अंतर है अगर टॉप मॉडल लेते हो तो। बाकी डिसाइड करते हैं, और थार की भी देखेंगे एक दिन, क्योंकि थार काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे और मैसेज भी करे कि थार ले लो, लेकिन थार फिर वही है ना कि फैमिली गाड़ी नहीं होती वो, बस मेरे और छोटे वाले भाई के लिए रह जाएगी। तो अभी देखते हैं, करते हैं डिसाइड, क्योंकि फिर ये वाली XUV रखनी पड़ेगी और थार फिर लेनी पड़ेगी। अगर ये दे दी तो फिर फैमिली गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है हमें, क्योंकि हम फैमिली के साथ चलते हैं मिलजुल के। और अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने, शेक वगैरह या कुछ खाएंगे बढ़िया सा। और अभी हम आए हैं सेक्टर 27 है ना, हाँ 27 सामने लिख रहा,
27 की मार्केट में, यहाँ पीछे मार्केट है। ओरियो शेक मुझे यहाँ का ओरियो शेक बड़ा पसंद है। ये भाई साहब ने सैंडविच लिए यहाँ, पता नहीं क्या, मुझे तो बुरी लगती है यहाँ की सैंडविच, मुझे यही बढ़िया लगता है यहाँ, ना इसकी कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती ना मुझे इसकी और चीज़ अच्छी लगती। तो ये अपना ओरियो शेक अब पीते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे अपने घर। कैमरा हमने लिया नहीं, गाड़ी वॉश हमने सुबह करा ली, बस बस अब बची हमारी पैकिंग और थोड़ी सी शॉपिंग कपड़ों। गाइस अभी अपना खाना पीना भी हो गया। खाना पीना क्या खा, तो वो चाप लिया है उसकी, वो चाप तो खा ली थी मैंने, तो फिर शेक पिया, उसने सैंडविच वगैरह वो खा लिया, वो खा लिया, वो सब खा लिया। तो अभी राम यार, एक ना एक हाथ से ब्लॉग, एक हाथ से गाड़ी चलाना, ये ना बहुत टास्क है, तगड़ा वाला। गेयर वेयर चेंज करना, हैंडल संभालना, बाकी अभी गाड़ी वाड़ी देख ली, फॉर्चुनर तो क्या अटैच ड्राइव लेंगे अब उसकी, जाएंगे दोबारा, क्योंकि भाई एक तो पैसे, फिर पैसे भी चलो देखेंगे। तो बाकी गाड़ी तो अच्छी है, वो सभी सभी को पता है वो गाड़ी कितनी प्यारी गाड़ी है फॉर्चुनर। बाकी हमने आज टेस्ट ड्राइव XUV 700 की भी ले ली है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। अभी टाइम हो गया 4 बज गए, पूरे 4 करेक्ट 4। तो अभी जा रहा हूँ घर, और एक छोटा सा व्लॉग था ये, सोचा गाड़ी देखने जा रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और आपसे पूछूँ कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, बताओ अपनी पसंद कौन सी पसंद है आपको, और मैं कौन सी लूँ। अभी नहीं लूँगा 2022 में, मतलब बुकिंग अभी कराऊँगा जब वेटिंग है, और वैसे भी पर XUV की इस महीने के लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगी डिलीवरी XUV 700 की। एक बार थार रोड देखनी है, पहले 2 दिन बाद हमें ट्रिप पर निकलना केदारनाथ, जिसे नहीं पता मैं उसे बता देता हूँ, केदारनाथ जा रहे हैं हम 2 दिन बाद। तो और जिम में सुबह हो गया, आगे था रात में मैं जिम नहीं गया, क्योंकि अभी कुछ दिन से सुबह जा रहा हूँ 6 बजे उठ के, तो अभी घर जा रहा हूँ। छुट्टी है, अब कुछ काम नहीं है, बस पैकिंग है अपनी, थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं, शॉपिंग तो चुमची करनी है। कैमरा लेने गया था भाई, DSLR लेने की सोच रहा हूँ, सोच कर रहा हूँ, लेना ही है भाई, सोच नहीं रहा, लेना ही है DSLR। तो वो लेने गया था, आज बंद है तो कल ले लेंगे, कोई नहीं उसे तो, उसकी तो कोई बात नहीं, हमें जानने वाले की हमारे दुकान है ना, एक हाथ से व्लॉगिंग और गाड़ी चलाना एक बहुत लंबा टास्क है, गियर बदलना। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। मिलते हैं एक अच्छे से नए सुपर फ्रेश व्लॉग में, अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।